तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एक्चुअली मैं अभी अपना कमेंट बॉक्स खोला, सो के उठा तो, और जब कमेंट बॉक्स खोला तो वहाँ पे देखा मैं एक चीज़, मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिला कि APS, ये जो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, ये रिकवा में APS विश्वविद्यालय, इसमें NCC है कि नहीं है, NCC नेशनल क्रेडिट कोर, क्योंकि मैं NCC किया हूँ। तो देखो यार, मैं बता दूँ कि हर एक कॉलेज के अंदर और हर एक यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय के अंदर, कॉलेज को हिंदी में बोलते हैं महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी को बोलते हैं विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हर एक जगह के अंदर कोई ना कोई NCC या फिर NSS या फिर और अगर फील्ड होता ही है। अब ये होता है कि NCC में होता क्या है, तो NCC में बहुत सी जगह जैसे आर्मी हो गए, पुलिस हो गए, तो आपको 15% या 10% की छूट मिल जाती है, ये होता है NCC में। और NCC में बहुत सी चीज़ मिलती है, और NCC का जो रहता है कि कितने साल का रहता है, तो NCC जो होता है ना वो समथिंग 3 साल का मेरे हिसाब से रहता है। पर मैंने कहीं देखा कि एक फॉर्म भर रहा था, उसमें लिखा था कि ABC सर्टिफिकेट होता है, मगर उसमें लिखा था D सर्टिफिकेट। तो मैं खुद पागल था कि यार ये D सर्टिफिकेट क्या होता है, पर इसके बारे में मुझे अभी तक नॉलेज नहीं मिला। अगर आपने किया होगा D सर्टिफिकेट या सुना होगा तो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं आपके साथ लाइव चैट करने वाला हूँ, लाइव चैट के वीडियो में आने वाला हूँ। तो यार ये है कि जो मतलब B सर्टिफिकेट पर, A सर्टिफिकेट पर तो वो स्कूल से बनता हमारे से जहाँ से। अब रही बात B सर्टिफिकेट की, तो B सर्टिफिकेट हमारा जो होता है वो कॉलेज से या विश्वविद्यालय से बनता है, और B सर्टिफिकेट आपको 2 साल करना पड़ता है। और C सर्टिफिकेट कॉलेज से ही होता है या फिर विश्वविद्यालय से यानी कि यूनिवर्सिटी, और ये होता है 1 साल का। अब बात रही कि APS अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में है NCC की नहीं है, मैंने बहुत से साइट पे गया, वेबसाइट पे गया तो देखा तो है। अब इससे का मतलब ये नहीं कि कोई कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो NCC तो रहता ही है। मान लीजिए कि आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है या सागर यूनिवर्सिटी है या फिर अमरकंटक यूनिवर्सिटी है या दिल्ली यूनिवर्सिटी है या रीवा यूनिवर्सिटी है, मतलब कोई ना कोई अगर विश्वविद्यालय है तो वो महाविद्यालय से कनेक्टेड रहता ही है। यानी कि जैसे कि कोई अगर विधायक है वो मुख्यमंत्री से कनेक्टेड रहेगा ही, यानी कि विधायक का मतलब ये हो गया कि कॉलेज या महाविद्यालय, और मुख्यमंत्री यानी कि CM ये हो गया यूनिवर्सिटी, तो हर एक CM कनेक्ट रहते हैं ना, मतलब किसी न किसी विधायक से या विधायक किसी न किसी कनेक्टेड से। उसी प्रकार ये कॉलेज की NCC है, मतलब अगर आपके वहाँ नहीं है, आपके कॉलेज में नहीं है, तो आपके विश्वविद्यालय में होगा, जिस विश्वविद्यालय से वो कनेक्टेड होगा। ये ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड में भी ऐसा ही चलता है। तो आई होप कि इस वीडियो पे थोड़ा भी ज़रा भी नॉलेज मिला हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए। आई होप कि आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ अब तक नहीं पहुँचा हो, जिनको ज़रूरत हो उनको शेयर कर दीजिएगा, और हो सके तो आप मेरी वीडियो का स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिएगा, जिसमें से उनको भी आपके फ्रेंड को भी पता चल जाए सही टाइम पे और सही डायरेक्शन, नहीं तो बहुत से गड़बड़ हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट।